कितने रुपए हो गए? 30 रुपए। कितने सर? 30 रुपीज। अरे मैं पिछले 5 साल से इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ और चाय पीने के लिए इस मार्केट में आता रहता हूँ। कोई मुझे 5 रुपए का कप देता है, कोई 10 रुपए का कप देता है और कई बार 15 रुपए का भी मिल जाता है, लेकिन तुम तो सीधे 30 रुपए मांग रही हो। ऐसा क्या है तुम्हारी इस चाय में? सर आपने बोला ना अभी कि आप यहाँ 5 साल से काम कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हुई होगी ना, तो क्या हमें हक नहीं है कि मैं अपने काम धंधे में थोड़ा पैसा बढ़ा सकूं? अच्छा, अगर इतना इंक्रीमेंट चाहिए तो जॉब करो ना, ये टपरी खोल कर क्यों बैठी हो? वो तो सर मैं, एक मिनट। हाँ प्रदीप बोलो। अरे मैंने तुम्हें बोला था ना कि अभी मैं बाहर हूँ, अभी क्यों मीटिंग शेड्यूल कर दी मेरी? अरे हाँ, मुझे भी पता है कि मैं वीडियो कॉल पर मीटिंग कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ट्रांसलेटर नहीं आया अभी तक जिसे मैंने बुलाया था, और मुझे स्पेनिश बिल्कुल नहीं आती, तो मैं कैसे डील करूँगा उन लोगों के साथ? सर अरे रुको यार एक सेकंड। चलो कोई ना, तुम लिंक भेजो, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। सर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। अरे यार तुम रुक जाओ, एक तो मेरा पहले ही दिमाग खराब हो चुका है, एक सेकंड रुको। सर मुझे स्पेनिश आती है, मैं बात कर लेती हूँ, लाओ। आर यू श्योर तुम ये कर लोगी? यस सर आई एम श्योर, आप दीजिए फोन। Hola, ¿cómo estás? इन लोगों को बोलो कि हम डील के लिए रेडी हैं। Nosotras estamos listas para este trato. और इनसे बोलो कि $10,000 से कम नहीं होगा। Pero no podemos hacer menos de $10,000. सर ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के लिए रेडी हैं और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। एक बात बताओ, तुम्हें इतनी अच्छी स्पेनिश आती है और दिखने में भी तुम पढ़ी लिखी लगती हो, तो तुम यहाँ चाय क्यों बेचती हो? कोई अच्छी जगह जॉब क्यों नहीं करती? क्या करूँ सर, ये सब करना मेरी मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? साहब क्या बताऊँ मैं आपको, जिंदगी अच्छी चल रही थी, कॉलेज भी पूरा होने वाला था, BA स्पेनिश कर रही थी मैं, और कॉलेज का भी आखिरी साल था कि अचानक पापा एक्सपायर हो गए। बस सर तभी से घर के हालात बदल गए और डाउनफॉल शुरू हो गया। पैसे ना होने के कारण डिग्री भी पूरी नहीं हो पाई और पढ़ाई भी छूट गई। सर पढ़ी लिखी तो मैं हूँ, लेकिन डिग्री नहीं होने की वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही, और सर आपको तो पता ही है बिना डिग्री कोई जॉब नहीं देता। कमाने वाला घर में और कोई है नहीं, छोटी बहन की पढ़ाई का भी खर्चा उठाना था, इसलिए जो काम समझ में आया वो कर लिया। सही कहा तुमने, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। खैर कितने 30 रुपए हुए थे ना तुम्हारे, ये लो तुम्हारे 30 रुपए और ये 500 रुपए मेरी तरफ से। नहीं सर ये किस लिए? अरे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज तो मैं आपसे ले लूंगी लेकिन आगे क्या करूंगी। और सर आपको मेरी मदद करनी है तो आप मुझे कोई अच्छी जगह नौकरी दिलवा दीजिए। हाँ क्यों नहीं, मुझे तुम्हारा नेचर बहुत बढ़िया लगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा तुम्हें किसी अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूं। सुनो कहीं और क्यों, तुम हमारे ऑफिस में जॉब क्यों नहीं करती? वैसे भी हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, और अभी मैंने देखा तुम कितनी अच्छी स्पेनिश बोलती हो। चिंता मत करो, हमें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे जॉब करो और जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी करना, और जब तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो अपनी डिग्री सबमिट करवा देना। ये लो ये मेरा कार्ड है, तुम कल सुबह हमारे ऑफिस आ जाना, तुम्हारी जॉब पक्की है। ठीक है सर, थैंक यू।